तो आज की आपकी एक्सरसाइज होंगी कमर दर्द और सर्वाइकल नेक और कुछ उसमें शोल्डर्स की भी होंगी। चलिए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पे रख लें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट की ओर कमर से बैंड होंगे, अप डाउन चेंज, अप डाउन, अप डाउन। अब यहां होल्ड करके रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। बीच में आएंगे वापस, चेंज राइट साइड, होल्ड करके रखें, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। चलिए पैर में थोड़ा गैप कर लीजिए, शोल्डर जितना, हाथों की ग्रिप बनाएं, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली आकाश की ओर, शरीर को खींचे ऊपर, वेरी गुड, खींचे पूरा। अब यहीं से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए राइट ओर बैंड होंगे जितना आप जा सके, गर्दन को नीचे नहीं झुकानी है, ऊपर उठाएं गर्दन को, ऊपर की ओर देखें, वेरी गुड, एक सीधी लाइन में वापस आएंगे सांस भरते हुए, एक्सेल डाउन चेंज, मंत्रा जी को हमें सीधी कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जितना आप इजीली नीचे जा सकते हैं वहां तक जाइए, अपने पूरे कमर को खिंचा दीजिए, कमर को एकदम सीधा रखने की कोशिश करनी है, ऐसे सामने की ओर नहीं झुकाना। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन, यहां होल्ड करके रखें, 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे, 2 से 3 लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। चलिए पैरों में और गैप कीजिए, जितना आप गैप कर सकते हैं उतना गैप कीजिए। चलिए दोनों हाथ साइड में, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर कमर से बैंड होंगे, अपनी लेफ्ट हैंड को ऊपर, गर्दन को घुमा के अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखें। चलिए कमर को ट्विस्ट कीजिए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन। हर एक अभ्यास ब्रेथ के साथ करना है, श्वास के साथ करना है, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन,
अब यहाँ होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, धीरे धीरे श्वास बढ़ते वापस ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल अप। चलिए वापस पैर मिला लीजिए अपने। चलिए अब करना क्या है, अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे सपोर्ट के लिए लगा लीजिए, ऐसे अच्छे से लगाना। चलिए पैरों में थोड़ा शोल्डर जितना गैप कर लीजिए, उतना ही जाना है पीछे जितना आप जा सकते हैं, जबरदस्ती ज्यादा पीछे जाने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए श्वास भरते ऊपर रहेंगे, कमर से गर्दन पीछे, श्वास छोड़ देंगे सामने, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। यहां होल्ड करके रखें, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। चलिए अब अपने राइट हैंड को सामने निकाल लीजिए, एक एक हाथ के सहारे करेंगे अब, श्वास भरते राइट हैंड को ऊपर उठाएं, पीछे बेंड हो जाए कमर से जितना आप जा सके, श्वास छोड़ते वापस आएंगे, चेंज, हथेली आकाश की ओर रखनी है, ऊपर की ओर, डाउन, एक एक बार और करेंगे चेंज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। चलिए रिलैक्स करें, दोनों हाथ सामने ले आए, अब दोनों हाथों से एक साथ करेंगे, दोनों हाथ सामने, पैरों में गैप बनाए रखें, श्वास भरते ऊपर, धीरे धीरे ऊपर उठाएं जितना आप जा सके, जाइए पीछे, डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। अब की बार होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स, आंखें बंद, दो से तीन लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, चलिए रिलैक्स, दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लीजिए शोल्डर जितना, दोनों हाथ सामने, हथेलियां आमने सामने,
श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड पीछे जाएगा, कमर को ट्विस्ट करिए, कमर के निचला भाग एकदम सीधा रहेगा, कमर से ऊपर ऊपरी भाग पूरा ट्विस्ट करना है पीछे। चलिए कीजिए, अपने लेफ्ट हैंड को कंधे पे लगा लीजिए, राइट हैंड के कंधे पर। वापस आएंगे, श्वास बढ़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। चेंज, आराम आराम से करना है फील के साथ। चेंज, चेंज, अब यहां होल्ड करके रखेंगे। वन, गर्दन के पीछे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। रिलैक्स, चेंज, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। धीरे धीरे दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे। अब अगली क्रिया करेंगे। चल, इसमें क्या करना है, अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे रखना है और लेफ्ट हैंड को पीछे कमर पे। अब लेफ्ट की साइड बेंड करना है कमर को, श्वास भरे ट्विस्ट करें, श्वास छोड़ते हुए जाइए पीछे। अब वापस चेंज, चार पांच बार कीजिए इसका अभ्यास। चेंज, जितना आप अपनी कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं पीछे कीजिए। चेंज, 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 चेंज। चलिए यहां होल्ड करके रखना है राइट साइड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। चेंज, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। रिलैक्स। चलिए अगली क्रिया करेंगे। इसमें क्या करना है, अगर आपके आसपास गोल है तो गोल के सारे खड़े हो जाएं, इतना सा खड़े हो कि गोल से आप आधा फिट दूर खड़े हो जाइए। चलिए अब अपने राइट हैंड को गोल से सटा दीजिए, चिपका दीजिए। चलिए आपका लेफ्ट हैंड कमर पर। चलिए ऐसे खड़े होना है। चलिए अब करना क्या है, अब कमर को अंदर की ओर धकेलना है, धीरे धीरे अंदर की ओर कीजिए कमर को राइट साइड, इस खिंचाव को महसूस करें। वेरी गुड,
कुछ समय तक वापस आ जाइए। एक बार और कीजिए, अंदर दबाइए कमर को। रिलैक्स, अगली बार होल्ड करके रखेंगे। चलिए कीजिए अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। चलिए दूसरी साइड, लेफ्ट साइड करेंगे आप। चलिए कीजिए, दो तीन बार अप एंड डाउन करेंगे कमर को, होल्ड नहीं करना है। आपके बार होल्ड करके रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. चलिए रिलैक्स करें, रिलैक्स करेंगे। अब हम खड़े खड़े शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, कंधे खड़े जकड़े रहते हैं। चलिए अंगूठा अंदर मुठभंद, श्वास भरते अपने शोल्डर को ऊपर उठाएं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ चलेंगे। अपनी एल्बो से दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट रहेंगे, सीधे रखिए, कुंडली को ना मोड़े। चलिए रिलैक्स, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते पीछे से नीचे। जितना आपका रोल बन रहा है हाथ से उतना रोल बनाइए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन। पूरे शरीर को ऊपर खींच के रखना है, जब हाथ ऊपर जाएंगे तो शरीर को ऊपर खींचिए। वेरी गुड, धीरे धीरे श्वास छोड़ते दो हाथ पीछे से नीचे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। एल्बो सीधा रखें सभी। डाउन, अप, डाउन। चलिए रिलैक्स करेंगे, कंधे को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए अब करना क्या है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाना है। हथेली अंदर की ओर रहेंगी, धीरे धीरे ऊपर उठाना है, जहां तक आपका हाथ ऊपर उठ रहा है वहां तक उठाइए। अगर कंधे तक उठ रहा है तो कंधे तक होल्ड करके रखें। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
अच्छा, धीरे धीरे वापस नीचे। चलिए, दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अपनी रिस्ट को गोल गोल घुमाइए, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, देन एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहीं से हथेली को खोल दीजिए, श्वास भरिए, हथेली ऊपर ऊपर की ओर हथेली, श्वास भरते हुए दोनों हथेली को अपने कंधे पे रखें, श्वास छोड़ते हुए सामने। चलिए 5 बार कीजिए इसका अभ्यास, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब अगला अभ्यास करेंगे हम गर्दन के लिए। चलिए दोनों हाथ बगल में, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड झुकना है, गर्दन को राइट साइड झुकाना है, कान को कंधे से टच कराना है, कोशिश करें आपके शोल्डर स्टेबल रहे, उठाना नहीं है ऊपर, गर्दन को नीचे ले जाना है। वापस आएंगे, चेंज, अगर खिंचाव नहीं आ रहा है तो अपने जिधर आपकी गर्दन मुड़ी हुई है उधर से अपने हाथ को ऊपर उठाएं और नीचे प्रेस कीजिए, नीचे दबाइए गर्दन को, आपका अपोजिट हाथ आपके शोल्डर्स पे रखें। चल, शोल्डर्स को नीचे दबाएं, गर्दन को नीचे, वेरी गुड, थोड़ा खिंचाव आ रहा होगा। चल, चेंज, चेंज, होल्ड करके रखेंगे यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, चेंज, आपका ध्यान पूरा अपनी गर्दन पे रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। चलिए अब दूसरी क्रिया करेंगे गर्दन के अभ्यास में, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट साइड, अपनी कमर को देखने की, पीछे से अपनी पीठ को देखने की कोशिश करें, श्वास भरते हुए सामने आएंगे, चेंज, 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 रिलैक्स। चलिए गर्दन को अप एंड डाउन करेंगे, ध्यान रखना है जिनको ये सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन में दर्द रहता है, थायराइड की समस्या है, आपको गर्दन को सामने नहीं झुकानी है, पीछे ले जाना है पूरा, जितना आप ले जा सकते हैं इजीली उतना ले जाना है, फिर वापस सामने बीच सेंटर में आ जाना है। चलिए कीजिए अभ्यास, इनहेल आउट, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
Exhale down. Up. Hold करके रखेंगे ऊपर. One, two, three, four, five. Relax. चलिए अब गर्दन को रोटेट करेंगे, पीछे हाफ रोटेट करेंगे. श्वास भरते हुए राइट से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. चलिए रिलैक्स करेंगे. चलिए पीछे से अपने दोनों हाथों की ग्रिप बना लीजिए. से सर्वाइकल के लिए, शोल्डर्स के लिए ये अभ्यास बहुत बहुत अच्छा है. चलिए गर्दन को पीछे, गर्दन को सामने ले झुका के रखनी है पीछे. धीरे धीरे दोनों हाथों को अप एंड डाउन करना है, ऊपर उठाना है फिर नीचे लाना है. चलिए डाउन अप डाउन अब की बार होल्ड करके रखेंगे सभी. चलिए होल्ड करेंगे, गर्दन पीछे ही रहेगी. वन टू थ्री फोर फाइव. रिलैक्स. चलिए रिलैक्स करेंगे सभी. अपने आसन पर पेट के बल लेट जाएं. चलिए पेट के बल लेट जाएं. चलिए पीछे से एडी पंजे को मिला लीजिए. दोनों हाथ ऐसे आपके एल्बो आपके चेस्ट के सामने मोड़ लीजिए. चलिए श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, नाभि को जमीन की ओर खींचिए. डाउन इनहेल अप डाउन अप. नाभि को जमीन की ओर दबाइए. चलिए या होल्ड करके रखेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलैक्स. चलिए अब दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे ले आए, शोल्डर्स के नीचे ले आए. भुजंगासन का अभ्यास करेंगे. पीछे से एडी पंजे को मिला के रखें. चलिए श्वास भरते हुए छाती के भाग तक उठना है, चेस्ट तक उठना है, पूरा नहीं उठना भी. चलिए उठिए गर्दन ऊपर, यहां होल्ड करके रखेंगे. वन टू थ्री फोर
आए, धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। आपकी बार नेवल एरिया तक उठना है, नाभि तक, श्वास भरते हुए नाभि तक उठिए। गर्दन आराम आराम से उठना है, जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए नाभि तक उठिए, गर्दन ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। आपकी बार पूरा उठना है, कमर तक पूरा उठना है, कमर के भाग को नीचे टिका के रखना है, पीछे से एडी पंजे को मिला के रखें। चलिए धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर तक उठें, अपनी एल्बो को स्ट्रेट करते रहें, अपने एल्बो को सीधा कर दीजिए कोहनी से, गर्दन पीछे, वेल दिया होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, कंधे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। 3, 4, 5, धीरे धीरे वापस आ जाइए। दोनों हाथों को थाई के नीचे रखें, ठुड्डी को सामने टिका के रखें जमीन से। चलिए अब करना क्या है, सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाना है, घुटने से पैर सीधा रहेगा, पंजे को खींच के रखें, जितना आप इजीली ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सांस छोड़ते वापस नीचे आएंगे धीरे धीरे। इनहेल आउट, लेग चेंज, करते रहे अभ्यास, एक एक पैर से अल्टरनेट। ऊपर उठाइए और ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे वापस नीचे ले आए। अब लेफ्ट लेग को उठाएंगे, होल्ड करके रखें, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे वापस नीचे ले आए। चलिए मकरासन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे लगाएं, अपनी कोहनियों को मिला के रखें। चलिए दोनों पैरों से अभ्यास नहीं करना है, एक एक पैर से अभ्यास कीजिए, आराम आराम से एक एक खिंचाव को महसूस करते अभ्यास करें। अभ्यास कमर के साथ साथ सर्वाइकल की समस्या है, थायराइड की समस्या है, नी पेन की समस्या है, उसमें भी लाभ देगा यह अभ्यास। हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। रिलैक्स करेंगे, अब मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे, कैट पोज का रिलैक्स करेंगे। चलिए आ जाइए वज्रासन की स्थिति में, घुटने पे खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों में
शोल्डर जितना गैप कर लीजिए, घुटने में भी उतना ही और पीछे पंजे में भी इतना ही, तीनों में समान गैप रहेगा। चलिए चलिए, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और कमर नीचे जाएगी। चलिए सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर को ऊपर उठाएं। जिनको सर्वाइकल की समस्या है गर्दन को ज्यादा ना झुकाएं, दोनों हाथों के बीच देखें। इनहेल आप, गर्दन ऊपर कमर नीचे, एक्सहेल डाउन। आप यहां होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्सहेल डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। चलिए रिलैक्स कीजिए, सभी अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं। कम से कम आपको दिन में दो बार करना है, अगर दो बार का वक्त नहीं है, थोड़ा टाइम कम है, तो यही अभ्यास आप होल्डिंग के साथ एक या दो दो मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप दो टाइम तीन टाइम करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। चलिए अपने राइट लेग ऊपर उठाएं 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं, घुटने से पैर सीधा, पंजे को अंदर की ओर खींच के रखें। यहाँ होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, धीरे धीरे वापस ले जाएंगे पैर को नीचे, लेग चेंज, लेफ्ट लेग से करेंगे, पंजे को अंदर की ओर खींच के रखें 90 डिग्री अपना पैर, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। चलिए अपने दोनों अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएं, चलिए एकदम सीधा ऊपर उठाएं, लेफ्ट पैर के साइड में रख दीजिए, राइट लेग को लेफ्ट पैर के साइड में सीधा रखें, जमीन से टच करवाएं राइट पैर के अंगूठे को, अपनी कमर को ऊपर उठाना है, आपके कंधे जमीन से टच रहेंगे। चलिए चेंज, दोनों हाथों को अपनी गर्दन के नीचे लगा लें, चेंज, चेंज, पैर को सीधा रखना है एकदम। चलिए अब यहीं से क्या करना है, राइट लेग को मोड़ लीजिए, राइट लेग को घुटने से मोड़े, लेफ्ट पैर की थाई के ऊपर रखें, अब राइट लेफ्ट की ओर बेंड अपने घुटने को ले जाएं, लेफ्ट हैंड से राइट पैर के घुटने को नीचे जमीन से दबाएं, जमीन तक दबाएं, नीचे तक, यहां दबा के रखेंगे कुछ समय तक।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलैक्स. चलिए लेग चेंज. लेफ्ट पैर से करेंगे आप. लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ें. राइट पैर की थाई के ऊपर रखें. अब अपनी राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने को जमीन की ओर दबाएं. नीचे खिंचा दीजिए जितना आप नीचे तक ले जा सकते हैं वहां ले जाएं. पर ध्यान रखें आपके दोनों कंधे जमीन से टच रहेंगे. कंधे को नहीं उठाना है, कमर को ट्विस्ट करना है. वन, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी. अगर घुटना राइट साइड जा रहा है तो गर्दन लेफ्ट साइड. थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलैक्स. चलिए दोनों पैर के घुटने को मोड़ लीजिए. चलिए इसी में अगली क्रिया करेंगे. दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे लगा लीजिए. अब अपने राइट लेग के घुटने को लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करवाएं. लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करवाएं. इसे आपका लेफ्ट पैर का घुटना सीधा रहेगा, घुटना मुड़ा रहेगा, एकदम सीधा मोड़ना नहीं है. चलिए चेंज. बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं. जहां तक आप इजीली ले जा सकते हैं वहां तक ले जाएं. घुटने को नीचे नहीं ले जाना है. जहां आपका घुटना बैंड है वही रहेगा. चलिए रिलैक्स करेंगे. दोनों हाथों को साइड में फैला दीजिए. दोनों पैरों को आपस में मिला लें. मरकट आसन का अभ्यास करेंगे. श्वास भरें. श्वास छोड़ते हुए घुटने राइट साइड. अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं. राइट पैर की थाई के ऊपर रखें. सेम अभ्यास अब घुटने मोड़ के करेंगे. अब अपने लेफ्ट लेग के घुटने को नीचे दबाएं. चेंज. गर्दन अपोजिट साइड. यहां होल्ड करके रखेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव. चेंज. चलिए अब दूसरी साइड करेंगे होल्डिंग के साथ. चलो वन टू थ्री फोर फाइव. रिलैक्स. चलो रिलैक्स करें. दोनों पैरों में थोड़ा आप गैप कर लीजिए. एडी पंजे पुतली में गैप करें. चलिए दोनों हाथ साइड में रहेंगे. श्वास भरें. श्वास छोड़ते हुए घुटने राइट साइड. गर्दन लेफ्ट साइड. इतना गैप बनाएं कि आपके राइट पैर का घुटना
लेफ्ट पैर की एडी को टच हो रहा है, दोनों पैरों में इतना डिस्टेंस बनाए रखें। चलिए चेंज चेंज चेंज। अब यहां होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव। रिलैक्स करें, घुटने को मोड़ के रखें। चलिए इसमें अगला अभ्यास करेंगे। अब दोनों हाथों की ग्रिप बना के राइट पैर के घुटने के ऊपर रखें, जिनको घुटने में समस्या है घुटने के ऊपर ना रखें, बाकी सब घुटने के ऊपर रखें, जिनको कमर में दर्द हो घुटने के ऊपर से रखें। चलिए अब धीरे धीरे अपनी ओर खींचिए, गर्दन को नहीं उठाना है, जिनको कमर में दर्द है वो गर्दन को ना उठाएं, सीने को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें, पंजे को सामने खींचे, या होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। रिलैक्स। चलिए दूसरे पैर से करेंगे, अंदर की ओर खींचे, सीने से सटाने की कोशिश करें, वन टू थ्री फोर फाइव। रिलैक्स। चलिए अब करेंगे, अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं और लेफ्ट पैर की थाई के ऊपर इस प्रकार रख दें। चलो अब अपने लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़े, राइट पैर के घुटने को पकड़े, अब अंदर की ओर खींचे, आपकी ओर खींचे, वेरी गुड। धीरे धीरे पल्स छोड़ दीजिए वापस, इनहेल डाउन, मूवमेंट करवाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको काफी लाभ मिलेगा अगर आप इसका अभ्यास दिन में दो बार भी नहीं तो एक बार करें, तो कम से कम होल्डिंग के साथ जरूर करें। मैं आपको हर अभ्यास में बार बार बताती हूँ, तो आप होल्डिंग के साथ हर एक अभ्यास करें। चलें अब अंदर की ओर होल्ड करके रखेंगे, दबा के रखें, वन टू थ्री फोर फाइव। रिलैक्स। लेग चेंज करेंगे। अपोजिट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, खींचे अंदर की ओर, फिर ढीला छोड़ दीजिए, अप एंड डाउन कराएं, अप डाउन अप डाउन। चलिए अब अंदर की ओर खींच के रखें, वन टू थ्री फोर फाइव। रिलैक्स। चलिए घुटने को मोड़ के रखें, अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन का। चलिए दोनों हाथों से पैर के एंकल को पकड़ें, अगर
एंकल पकड़ में नहीं आ रहा है तो दोनों हाथों को हथेलियों को जमीन पर रख दें। श्वास भरते हुए कमर से ऊपर उठाना है, कमर के भाग ऊपर उठाना है, कंधे नीचे जमीन से टच रहे। चलिए अप एंड डाउन करना है, आराम आराम से उठाना है। सांस छोड़ते वापस नीचे आएंगे। इनहेल डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब ऊपर होल्ड करके रखें। वन टू, आप चाहें तो आप अपनी हथेलियों का सहारा भी दे सकते हैं अपनी कमर पर। टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। चलिए रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए, रिलैक्स करें। दो से तीन लंबी गहरी श्वास के साथ रिलैक्स करें। चलिए एक आखिरी अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने गर्दन को नीचे मोड़ेंगे। चलिए अपने फोरहेड को जमीन से लगाने की कोशिश कर ली है। चलिए कीजिए अभ्यास। आपके कंधे कमर ऊपर रहेगी, हिप्स को जमीन से टच रखना है। चलिए सामने अपने पंजे को खींच के रखें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स करेंगे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए। पहले गर्दन को बाहर निकालिए, फिर कंधे नीचे टिकाइए, फिर कमर को नीचे टिकाइए। चलिए रिलैक्स, सभी बाई करवट लेते हुए अपने स्थान पे बैठ जाएं। योगा का सेशन यही संपन्न होता है। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम का, तो थोड़ा पैरों को सामने निकाल लीजिए, अप एंड डाउन कर लीजिए प्राणायाम के लिए।